अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे मटन के पाए, जो बहुत मज़ेदार होंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनते हैं। तो देखिए, 50 ग्राम तेल है, ये सरसों का तेल है। इसमें हम कुछ खड़े मसाले डालेंगे। ये 6 लौंग है, 2 तेज पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 9 इलायची छोटी और 2 बड़ी इलायची। और ये तेल बहुत अच्छे से हो जाए, इसमें जब धुआं आने लगे तभी ऐड करिएगा। बस 1 से 2 सेकंड तक सौते करेंगे। ये 3 मीडियम साइज की प्याज है। हल्का गोल्डन ब्राउन करेंगे। देखिए, प्याज हल्की गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम 2 टेबलस्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। एक टेबलस्पून पानी डालेंगे। ये हमारे पाउडर मसाले हैं। ये 2 टेबलस्पून धनिया का पाउडर है, 2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर है, 1/2 टीस्पून हल्दी है, 2 टीस्पून नमक है। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। हम 1 टेबलस्पून पानी इसमें और डालेंगे और अच्छे से मसाले को भूनेंगे। देखिए, मसाला हमारा आपको अच्छे से भून गया है। अब हम इसमें ये पाए ऐड करेंगे। तो ये हमारे 4 पाए, हमने इसको बहुत अच्छे से धो के रखा है। अब हम इसमें 1 लीटर पानी डालेंगे। अच्छा, पानी जो है आप देख के डालिएगा कि अगर आपके पाए छोटे हैं तो वो जल्दी गल जाएंगे। हमारे थोड़े पाए बड़े हैं। इसको हम तकरीबन 40 मिनट तक पकाएंगे। जब ये गल जाएंगे तो फिर हम आपको दिखाते हैं। अब 1 सीटी आने के बाद आप गैस की फ्लेम को धीमा कर दीजिएगा। देखिए, गल गए हैं पाए। अब हम इसमें नींबू का रस डालेंगे। ये 1 नींबू का रस है, 1.5 टीस्पून गरम मसाला, धनिया, एक टीस्पून केवड़ा वाटर, 2 मिनट बाद डिश आउट करके दिखाएंगे। तो इसको बना के जरूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो आपको पसंद आती हो तो लाइक जरूर करिएगा। मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।